अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग 7th का मैथ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की स्टार्ट की थी। इसके लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हो गए थे हमारे पास। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन 5, 6 और 7 करने हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रूव करनी है। तो ये बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पीछे एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं, प्रूफ करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो मैं बच्चों आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करवाता हूँ। ये भी वैसे आप लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में किया हुआ, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे दोबारा आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये थ्योरी के रिलेटेड है। करा 10,201 सोल्जर्स हैव क्यूड अप फॉर एन अटैक। उतने सोल्जर्स को क्यूड अप लाइन में खड़ा किया गया है एक अटैक के लिए। दैट द नंबर ऑफ क्यूज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। और जो कह रहा है एक रो में या एक क्यू में जितने सोल्जर्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, यानी कि अगर एक रो में 12 सोल्जर हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ भी 12 हैं। ये हमें कंडीशन दे रहा है। इस कंडीशन के बाद कहता है फाइंड द नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इन ईच क्यू। अगर ये कंडीशन है तो हमें बताना है कि एक क्यू या एक कतार के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सोल्जर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इतने हैं। हमें नंबर ऑफ़ क्यूज़ फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो नंबर ऑफ़ क्यूज़ हैं, अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें या सोल्जर्स का, क्योंकि सोल्जर हर रो में जितने सोल्जर्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, यानी अगर 11 रोज़ हैं तो 11 ही नंबर ऑफ़ सोल्जर हैं हर रोज़ में, यानी कि ये स्क्वायर बन रहा है रोज़ का और नंबर ऑफ़ सोल्जर्स का। अगर हम नंबर ऑफ़ सोल्जर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो जो आंसर आएगा उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड। मेथड वही है, लेफ्ट आप लोगों ने सबसे पहले राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाते जाना है, फिर आप लोगों ने इसका डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। जैसे आपके सामने मौजूद है, ये समझा नहीं रहा डिटेल में क्योंकि ये इसकी भी पीछे काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद इसका आंसर आएगा 101। तो इतनी नंबर ऑफ़ क्यूज़ हैं टोटल हमारे पास। तो इसके साथ ही बच्चों आप लोगों ने नंबर ऑफ फाइंड आप लोगों के पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आप लोगों ने करना है। वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किए हुए लास्ट एक्सरसाइज 5.4 में। तो ये ट्राई करना बच्चों, ये आज का हमारा काम है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।